जो काम किया गया है ऑफिशियल से, जो काम स्कूल को दिया गया है कमेटी तरफ से दिया गया है, उस एरिया में कोई और नहीं आएगा। और जो टीम के लिए कोचिंग बनाया गया है उसमें सिर्फ कोच और टीम मैनेजमेंट और टीम के मेंबर रहेंगे। उस बात को आप ध्यान रखिए। पंडित श्याम मिश्रा जी, स्वागत है भाई सभी का दिलसानी क्रिकेट सलीमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। जामिया के महामुकाबले में हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच। बोलिए, मैच शुरू कराइए। सही था, कर लेते हैं, बोल लेते, थोड़ा पीछे रखिएगा। कौन बोल रहा है? अरे क्या नाम है, समीम भाई, समीम भाई बोल रहे थे पीछे, वसीम भाई, वसीम भाई। पर्पल है भाई। वालेकुम अस्सलाम, स्वागत है आप सभी का जामिया कप के महामुकाबले में। पहला मुकाबला सिद्धार्थ नगर वर्सेज धुंध तो बहुत ज़्यादा है, प्लेलिस्ट मिला नहीं, थोड़ा लेट से मिला इसीलिए नहीं डाल पाए। अगेन प्लेइंग 11 डाल दिया जाएगा। राजू बाबू स्वागत है भाई आपका, सभी का स्वागत है। थोड़ा सा स्कोर बोर्ड मैनेज कर रहे हैं इसलिए माफी चाहेंगे। पहली गेंद तो विकेट पे 1000 रुपये है और ये पहले छक्के पे भी 1000 रुपये का इनाम आ चुका है। यानी कि जिसलिए जाना जाता है जामिया कप, वही शुरुआत होती हुई इस वक्त जामिया कप के महामुकाबले में।
पहली ही गेंद पे 1000 रुपए का इनाम लग चुका है, यानी कि शुरुआत जो हुई है 1000 से शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा ठंड ज्यादा है, धुंध ज्यादा है, विकेट पे भी 1000 है, कैच पे भी 1000 है, और अब्दुल आ रहे हैं गेंदबाजी करने। नहीं शाकिर खान जी यूट्यूब पे नहीं चलेगा, क्योंकि क्लियरिटी देनी है और ग्राउंड के बाहर से चलाना है, तो किसी एक बार ही चल पाएगा। तो शेयर करते रहेगा आप सभी लोग सलेमपुर के फेसबुक पेज को। बड़ा मुकाबला जामिया कप का उद्घाटन मुकाबला, पहली गेंद फेंकी जानी बाकी है, पहली गेंद की शुरुआत हो रही है। इस बार पहली ही गेंद लेकर आए हैं, हैट्रिक छक्का लगाने वाले के लिए 10,000 रुपए का इनाम। इनाम शुरुआत में ही लग चुका है, पहली ही गेंद के लिए 1000 का इनाम लग चुका है। और ये कवर्स में लगाया है पैर, दूसरी गेंद पे छक्का, तो सिक्स के साथ खोला है खाता। और सिक्स, बैक टू बैक सिक्स आता हुआ। इस गेंद पे छक्के पे 10,000 रुपए का इनाम है, इस गेंद पे छक्के पे 10,000 रुपए। और कट कर दिया है, प्रयास किया है, बाउंड्री लाइन की तरफ प्लेयर दौड़े हैं, बाउंड्री बहुत लंबी है, 10,000 का छक्का था इस गेंद पे। दो रन ले चुके हैं यहाँ पर। खराब गेंद, बहुत ही लाजवाब, आधे विकेट पे दी गेंद और बहुत ही खूबसूरत छक्का लगाया है मोनू ने। मोनू बहुत अच्छे बल्लेबाज है, 9 साल का पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 8-8 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। एक और सिक्स, उससे 4 रन, बैक टू बैक सिक्स आता हुआ। शुरुआत
पंखों को खोल जमाना सिर्फ कुरान देखता है और पहले जो वक्त में सिर्फ कुरान भरी है दोनों बल बाजू में एक ओवर की समाप्ति के बाद उसको रखा है हेलो कोई भी खिलाने की एक पर अगर करते हो जमीन पर या जमीन पर पड़ा तो कहा कर दो पानी कर दिया जाएगा कोई भी खिलाने का खेत को जमीन पर रखता है तब तक पकड़ा जाएगा क्योंकि एक मैच के लिए पैर कर दिया जाएगा गोलू है गेंदबाज नेक्स्ट ओवर लेकर है गोलू एक और खूबसूरत शॉट लगाया यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन रोहित के बल्ले से और बेहतरीन शॉट एक और चौका ठीक है रोहित का 23 रन हो जाएगा टेंशन ना लीजिए हम एक्यूरेट कर देंगे थोड़ा सा स्कोर बोर्ड बनाने में समस्या हो गई एक और बेहतरीन शॉट एक और कवर के ऊपर से चौका रोहित के बल्ले से तीसरा चौका आता हुआ जी हाँ टेंशन दिखाने में दिक्कत हो रही थी इसलिए सही किया कर देंगे हम सही आप टेंशन ना लीजिए ऐसा लगता है बाहुबली का मैच भाई अभी हम बता देंगे आज किस टीम में खेलेंगे अंतिम मैच होगा मेरे ख्याल से 27 तारीख को होगा अगर खेलेंगे तो कमरान खान की टीम अगर बाहुबली खेलते हुए दिखाई दिए तो 27 तारीख को होगा मोहम्मद मुख्तार खान फिर से लगाया है बाउंड्री के बाहर एक और चौका अभी बनारस का भी मैच है भाई अभी नहीं है वो लोग मेरे ख्याल से देखिए किसी टीम में है कि नहीं पैरों पे लगी है गेंद लेग बाई की अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू की अपील हो रही है
is not the hour number two, and after the completion of 2 hours, the score got 46 on the board. The hour number two scored 12. Thaupur John. जी हाँ, मुगल सराय बल्लेबाजी कर रही है भाई, मुगल सराय कर रही है बल्लेबाजी। हाँ जी, स्वागत अभिनंदन करती है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ और इस टोरल महोत्सव कि राजा का 24 रन बनाने की गति भी है इन दो बल्लेबाजों में, बल्लेबाजी की जा रही है। पहले ओवर में 28 रन और दूसरे ओवर में 18 रन हमने। एलबीडब्ल्यू भी हो रहा है भाई, सिया जरूर कीजिएगा। मुगल सराय की टीम बल्लेबाजी कर रही है और बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं। रिंकू भाई की टीम भी है भाई, उत्तम रहा इलाहाबाद। उत्तम इलेवन की टीम में है रिंकू भाई। अच्छी रणनीति में टेक लिए हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी की जा रही है सोनू और रोहित द्वारा, जबरदस्त बल्लेबाजी की जा रही है हर दिशा में, चाहे वो लॉकेट शॉट हो चाहे ग्राउंड शॉट हो, दोनों ही तरीके की बल्लेबाजी की जा रही है। तो हाथ बल्लेबाजी द्वारा काफी तैयार है खेलने के लिए। कामरान खान में प्रदीप भाई जी, आज 16 टीमें खेल रही हैं फिलहाल। आजमी जी उसके बाद वाले मैच में अंकित कल की
ज्ञानो सभी लोग खेलते हुए दिखाई देंगे इसके बाद सुबह सुबह आज नहीं है उसामा की टीम सेंस आज में से वेलकम है सर आपका शुक्रिया सेंस आज मिली जी आप बिल्कुल से मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं है भाई यूट्यूब से लाइव नहीं किया है क्योंकि ग्राउंड के लमसम ग्राउंड के बाहर से चला रहे हैं इसलिए लाइव नहीं है क्योंकि क्लियरिटी देनी होती है ग्राउंड के बाहर से तो यूट्यूब से लाइव नहीं है अगर ग्राउंड के अंदर होते हैं तो कोशिश की जाती है यूट्यूब दोनों से लाइव सूरज कुमार मिश्रा जी स्वागत है भाई आपका शेयर आप सभी लोग करते रहिएगा दिलशान गेटर सलेमपुर को जामिया के महा मुकाबले में जामिया कप जिसको पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है बनवारी है गेंदबाज फुल टॉस गेंद इस बार है सीधे और ये भी टपकाया जामिया कप में ऐसे कैच छोड़ना खतरे से खाली नहीं है ऐसा लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी तो बिल्कुल उनके खुद के रफा की बन आते हैं और अक्सर हम सोचते हैं कि अक्सर कैसा लेकिन कैसे ब्रेक लेते हैं और जब आप प्रैक्टिस ड्रॉप करते हैं तो फिर आपके इंग्लिश के चांस पर बहुत कम हो जाते हैं और फिर शुरू से ही गलतियाँ इस बड़े टूर्नामेंट में आप करेंगे लगातार करेंगे तो फिर आप टूर्नामेंट के बाहर हो जाएंगे जब इस स्थिति में आपकी टीम है तो फिर रन लगातार निकल रहे हैं तो लिबासों को एक मौका मिल चुका है और जब आप एक अच्छे बल्लेबाज को मौका दे देते हैं तो फिर उसको बना देता है वो पच्चीस सौ का इनाम है हैट्रिक छक्के पे इस बार अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है ये अच्छी बात है
इसको चार बॉल कराने की टीम के लिए फिर से जाते अगर वो कैचेस पर लिए जाते लेकिन उसको बुलाना पड़ेगा इनका पास तक के आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और माइंड से हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि आप लगातार आगे बढ़ते रहे बनवारी लेफ्ट आर्म ओवर का लो बॉल का इशारा है आगे अंपायर का इसको निकाला जरूर है एक रन में बच्चे गेंद लगातार का खिलाड़ी खेल सकता वापस सकता अंपायर का सिग्नल नो बॉल का सर्किल के अंदर एक प्लेयर ज्यादा बाहर थे इसीलिए नो बॉल की गई है इस ओवर में कोई भी खिलाड़ी का छक्का है लगातार है कल से कल आगे निकालने से 2500 रुपए का इनाम यानी टोटल 12500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अनुज अखिलेश जी बताइए क्या प्रॉब्लम है स्कोर में 58 रन हुआ है अगर किसी प्लेयर के स्कोर में कमी होगी तो उसको मैनेज कर दिया जाएगा उसके लिए परेशान ना होइए अभी मैनेज कर दिया छोड़िए कमेंट करने दीजिए भाई लोग आप दूसरे कमेंट को ना ज्यादा देख कर कीजिए आप लोग टेंशन ना लीजिए नहीं लगा अब्दुल्ला अहमद जी पहले विकेट पर चौका लगाकर शुरुआत कर दी है
नो बॉल का इशारा और लगातार अच्छी गेंदबाजी का योग कर रहे हैं अपना जो विकेट को वापस लिया है और
सुनील शैतपुर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने। शैतपुर से बिलोंग करते हैं, इस समय मुगलसराय में खेल रहे हैं और क्रिकेट का प्रारूप हो जा पहुंचा है कि कोई भी खिलाड़ी किसी न किसी क्षेत्र से, सभी खिलाड़ी होंगे उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान के हम सब सभी कोने से खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। फील्ड पोजिशन में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इस वक्त मिड विकेट को पहुँचाया जा रहा है पीछे, विकेट फील्डर जा रहे हैं पीछे, अभी भी थोड़ा सा पोजीशन चेंज किया जा रहा है इनका। अब तैयार है सुनील शैतपुरा, बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं
हल्के हाथ से खेला है चौरासी रन स्कोर हो चुका है लमसम मेरे हिसाब से। देखते हैं शानदार बल्लेबाजी। शेयर आप सभी लोग करते रहेगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप सभी लोग, फॉलो कर लीजिएगा जितने भी मेरे नए मित्र जुड़े हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। फिर से एक कलाइयों से किया है पचास रन, इसी के साथ रोहित के पूरे हो चुके हैं 50 रन रोहित ने बना लिए हैं। रोहित 50 शुक्रिया सेंस आज मुझे 18 ग्रुप में शेयर किया, इसके लिए आपको शुक्रिया। रोहित के शानदार 50 रन बनाने पर इन्हें 3000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 3000 रुपए पचासी के लिए 3000 रुपए का इनाम दिया गया है, तो लाजवाब इनाम की बारिश बारिशों के लिए जाना जाता है यह ग्राउंड। ये सीधे बल्ले से अपना काम गर्म कर लिया है और वापस जा रहे हैं। दो बच्चों को करने के बाद फिर ज्यादा बच्चों के लिए पहुंची है और इस तरीके से लिए तीसरा आधा लगा है। अब बल्लेबाजी करने के लिए ये मेरे हैं पावन प्रिय प्रफुल्ल, बल्लेबाजी करने के लिए टोके हैं प्रफुल्ल नंबर 5 पर 18 गेंदों पर 50 रन बना कर जा रहे हैं पवेलियन वापस। रोहित बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है जामिया कप में इन्होंने। हवा में है, प्लेयर है वहाँ मौजूद और आउट। एक और विकेट का पतन, बिना खाता खुले जाएंगे प्रभु वापस। प्रिंस आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, नहीं का सुपर ओवर का स्टार प्रिंस आ रहा है इस बल्लेबाजी करने।
10,000 रुपए के इनाम से नवाजा जाएगा इस विकेट के लिए। इस गेंद पे अगर विकेट मिलता है तो 10,000 रुपए का इनाम है। 10,000 रुपए का हैट्रिक विकेट है ये। 10,000 रुपए के लिए हैट्रिक विकेट है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए पैसी गेम पे सम्मान दिया था हैट्रिक वाली को, उसके बाद छक्का लगाया। शानदार छक्का लगाया है यहाँ पर। सात गेंदें और शेष रह गई है इस मैच में। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम मुगल सराय। बैटिंग पावर प्ले हो चुका है, लास्ट ओवर है, बैटिंग पावर प्ले है मैदान पर। इसके बाद से एक और मैच खेला जाएगा 8 ओवर का, वो होगा और उसमें से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी इस जीतने वाली टीम में से, यानी कि आज अपना क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज ही खेल लेंगे और सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लेंगे। एक टीम आज सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लेगी। सुनील यादव आउट हो गया था। धोनी सिंह जा रहे हैं बल्लेबाजी करने। तीसरा चौथा फिर तिरानवे पर और पांचवा अभी 103 पर गिरा है।
ये सारे का अंतिम ओवर चल रहा है, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी पटवारी को दे दी, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, पहले पिछले ओवर में भी बहुत कमर दिए थे और एक विकेट मिला था और इस ओवर में पहली गेंद पर विकेट दिला दिया है। आइए देखते हैं कौन खिलाड़ी जो मांगे का रखना निभा रहे, लगातार है, लगातार है और तो विकेट का है, ये फुल टॉस गेंद इस बार खूबसूरत सिक्स, धोनी सिंह के बल्ले से आते ही दंदराता हुआ छक्का, जामिया कप में छक्के के साथ शुरुआत की है धोनी सिंह ने अपनी। हैट्रिक छक्के पे 10,000 रुपए का इनाम है। गैप में है दंदराती 4 रन, भाई के रूप में चौका, मिश्रा जी लगे रहिए, आप लोग कमेंट में लगे रहिए, ठंड इतनी है यार, मजा नहीं आ रहा, बहुत ठंड, सही बात है, लग रहा है ठंड में पेप्सी पीनी ही पड़ेगी। सीधा शॉट और साथ में इंजीनियर
इनका मामला ही नहीं समझ में आ रहा दोस्त, जब तक ये अपना फिक्स नहीं करेगा तब तक। कौन चैनल है भाई? दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। भैया नमो गा हा दिलशान क्रिकेटर और प्लेइंग 11 में शुरुआत करेंगे जो फील्डिंग वाले टीम के जैसे आपके बैट्समैन आपके बैट्समैन बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। नमस्कार, ये कौन आ गया इधर? सब दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप ग्राउंड के बाहर रहें। 18-48 से रहे 118 रनों का टारगेट मिला है इस मुकाबले से जीतने के लिए और और आज के तालाब में दर्शक लगातार 200 के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब क्या शानदार माहौल क्रिएट किया है, क्या लाजवाब माहौल क्रिएट किया है। मैदान की खूबसूरती की अगर बात की जाए तो विकेट बिल्कुल टर्फ विकेट लग रहा है, सीमेंटेड विकेट बिल्कुल नहीं है, ये मिट्टी का विकेट और स्कोर 117 का टारगेट मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और तमाम लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि बसंत के जाने साथ में बसंत के काम आएंगे, कि बसंत के जाने साथ में बसंत के काम आएंगे, हम इस सभी को आत्मा बनाएंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात पर तमाम जामिया कमेटी को इस शानदार ऐतिहासिक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन इस बात पर कराने के लिए। आज दिवस में 118 का जवाब मिला है और सामने से जो दर्शक होते हैं भैया दर्शक यहाँ कमेटी कमेटी वाले वही सोनू कुमार कुशवाहा जी, ठीक है भाई, आपके लिए सब जायज है।
आप टेंशन ना लीजिए। ये हम लोग का प्यार है भाई। टीटी 11 मिर्जापुर और वन मैन आर्मी बदलापुर के खेला जाएगा। स्कोर गार्ड चलेगा यार, दूसरा मुकाबला होगा छोटे सरकार के साथ। अब बात को प्राप्त किया है, उसको लाभ कर दिया है, पहुंची है मोनू भैया, ए मोनू भैया, बस 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 अगले मैच में आना। शेख सलमान मिर्जा, अंकित कालकी, ज्ञानु, ये सभी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप लोग मजा आ रहा है आपको आज लाइव देखने में। आज बहुत दिनों के बाद कमेंटों की बारिश हो रही है, तो इसी तरह कमेंट करते रहिए। सोनू कुमार कुशवाहा, शुभम तिवारी और एके श्याम के लाडला, तो भाई आपको नंबर हम भेज दे रहे हैं। सोनू कुमार कुशवाहा, बिट्टू तिवारी का नंबर लिख लीजिए आप, 9120 2745 4590, एके श्याम के लाडला, और उनको फ़ोन करिए, पूछिए कि भाई आपका मैच कब है। एक ओवर में
सुनील शायद पूरा चुके हैं गेंदबाजी में, कप्तान है सुनील यादव। एमडी हालिमली वालेकुम अस्सलाम। एके श्याम के लाडला एक बार फिर से नंबर लिख लेंगे 91-20-27-45-90। और ये फुल टॉस गेंद, लटकी हुई गेंद थी, लेदर वाली गेंद थी, और वहां पे बाबू सिंह है मौजूद और विकेट का पतन। तो एक और विकेट का पतन, सुशील आउट होकर जाते हुए इस वक्त लेफ्ट हैंड जैसे ही देखा वो लेके आ गए। ग्राउंड बहुत बड़ा है यहाँ पर। अब उमर शुक्रवी मेरा भाई इस टीम को इसमें टूर्नामेंट आयोजन की कोई कमी नहीं होती है। ये तो आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई आप सिद्धार्थ नगर से आ रहे हैं तो भाई किस तरह का प्लेयर लेके आएंगे। तो ये टूर्नामेंट आयोजक तो समझेंगे नहीं, टूर्नामेंट आयोजक को तो भाई बड़ी दूर की टीमों को सेलेक्ट करना होता है और उसमें अब किस तरह के प्लेयर आएंगे ये डिमांड। क्या नाम भाई? तो सुधीर यादव हैं इस वक्त ग्राउंड के अंदर। एक और लटकी हुई सुधीर भैया ये भी कैच होगा। बाबू है एक बार फिर से प्लेयर, वही मौजूद, वही गेंद, वही शॉट और एक और विकेट। तो ऐसा लग रहा है इन लोगों खिलाड़ियों से बाउंड्री पार कर पाना क्योंकि हल्की सी लटकी हुई गेंद आ रही है। मुश्किल हो रहा है इन प्लेयरों से बाउंड्री को पार कर पाना क्योंकि गेंदों में रोआ होता है, नई गेंद का खेलने की कला सबके पास नहीं होती है। भाई अब्दुल तो आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर ग्राउंड के ऊपर प्रकाश जो है सूर्य की किरणें दिखाई देने लगेंगी, क्लियरिटी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा एकदम ग्राउंड के बाहर से चला रहा है, क्लियरिटी हमारी थोड़ी डाउन है। आप सबके प्यार और मोहब्बत ऐसे बना रहे, शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद से जो मैच होगा अनस शेख अंकित कल की ज्ञानू ये भी आज पहला दिन है और अभी ग्राउंड के चारों तरफ से लोग ठंड के मारे खड़े होकर मैच का आनंद ले रहे हैं। पंकज पांडे सही कह रहे भैया, आपकी आपके क्षेत्र का नाम है। और ये लीजिए एक और अच्छी गेम, एक और विकेट होगा या अंपायर नकारेंगे और आउट। लेग अंपायर का इशारा आउट होगा क्योंकि आवाज आई थी मेरे नो
ओवर में 5,000 रुपए का इनाम है। ये गेंद झिलानी और 5,000 का इनाम मिलेगा। सुनील यादव शैतपुर टीम के कप्तान है, तो क्या 5,000 रुपए पाएंगे? 5,000 रुपए की बात है, एक गेंद 5,000। एक गेंद 5,000 वाली है, ये 5,000 के लिए गेंद फेंकी जा रही है। सुनील यादव शैतपुर है गेंदबाज, मेडन ओवर पे 5,000 का इनाम है। और ये गेंद, और ये क्या कैच होगा? अगर कैच होगा तो 5,000 का इनाम सुनील शैतपुर के नाम। तो पहले ही दिन इनामों की बारिश। ₹5,000 मिले हैं सुनील शैतपुर गाजीपुर के इस स्टार खिलाड़ी को। मेडन ओवर 4 विकेट। और तीनों कैच पकड़े हैं बाबू सिंह ने, और एक कैच पकड़ा है। क्या पवन गेंदबाज, अनिल गाजीपुर टी टीम क्लब मिर्जापुर, वन मैन आर्मी, और ये गैप में निकल गई, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। 4 रन। सेंसा आदमी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शानदार शॉट है, पवन है गेंद के पीछे, क्या बचाएंगे चौका? और बचा लिया। एक बार फिर से 2 रन। तो नई गेंदों में जान नहीं दे रहा है गेंदबाज, और यही यहाँ की कला है इस जौनपुर जामिया कप। अभी आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं इस ग्राउंड पर। सुधीर भैया
पांच रुपए एक ही स्कोर पर मिले और कहीं जाइए स्कोर 16। अभी भी 102 रनों की जरूरत इस मुकाबले को यहां से जीतने के लिए। सुधीर भैया बहुत मुश्किल नामुमकिन का नजर आ रहा है यहाँ से ये टारगेट। कुछ चमत्कार भी यहाँ से सिद्धार्थ नगर स्टार क्रिकेट क्लब सिद्धार्थ नगर को ये मुकाबला जिता सकता है। लेकिन अपना मुकाबला जीती हुई मिर्जापुर और वन में आते 15 रुपए पेश किया जाएगा। दोनों से अच्छे बिल्कुल तैयार है इस बात के लिए। रियान स्पोर्ट्स आजमगढ़ बिलरियागंज। वालेकुम सलाम सर, स्वागत है रियान भाई आपका। जाहिद भाई जुड़े हैं आप लोगों के बीच। सुधीर भैया थोड़ा बाहर से और ये लगाया है सुनील यादव को। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा या बहुत शानदार फील्डिंग वहां पर। जी हाँ, डीएससी का लाइव चलाया जाएगा। मेरे नंबर किया था 4 विकेट मिली थी और अब अपने शॉट का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। इस मैच के बाद का जो मुकाबला मिर्जापुर और वन में आरपी 15 से कुछ चला जाएगा। हाँ तो पहली बार हम नहीं आए थे, इस बार हो सकता है आपकी बात सही हो। देखिए अमन भाई का मैच कब है भाई, ये सब जानकारी नहीं है अभी। किसकी प्लेइंग 11 कौन किस में आ रहा है। सुधीर भैया बाहर से सब खराब हो जाता है, पेपर हाथ दौड़ के पकड़िए। लीग मैच है, रवि बनारस मेरे ख्याल से फतेहपुर की कोई टीम है उसमें खेलते हुए दिखाई देंगे भाई। कंफर्म हम नहीं है किसी भी टीम के लिए। अरे भैया हम तो खुद है, अब क्या कहे आगे जान दीजिए। मिश्रा जी कुछ नहीं कहेंगे, बाद में फोन पे बात करेंगे। भदोही 11 में कह रहा है, अच्छा भदोही 11 में
सुनील के नाम हो चुका है 10,000 रुपए, 5 विकेट भी लिए हैं। हो सकता है तो आज नहीं जानकारी है किस टीम में कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज
टूर्नामेंट के पूरे आयोजक यहाँ बैठे हुए के अंदर बैठे अपने खिलाड़ियों का मोबाइल नंबर क्योंकि लाइव स्कोरिंग चल रही है उसके लिए जरूरी है आप मोबाइल नंबर उससे लिखकर तुरंत 2 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचे और एक और खिलाड़ियों के लिए आप नंबर अपना ही लिखेंगे अगर गलत नंबर होगा कमेटी का सख्त आदेश है कि आप अगर नंबर गलत बताएगा तो फिर आपको बैन कर दिया जाएगा क्योंकि लाइव स्कोरिंग चल रही है लाइव के विकास चल रहा है कचरा माहौल स्कोर पूरी टीम लाइव के लिए जाता है जिसमें शंका के साथ 5 विकेट लिए
सात ओवर में स्कोर 58 बने हैं। जीरो पर आईपीएल जो सलाहों को मैंने अपनी शॉट दी थी अगर उनका आवाज पहुंच रही तो शॉट पर अपनी बात पहुंचा दें। आर्मी में है टीटू यादव, रोहित सिंह, अंकित कासिंकल की, रजत सिंह, विजय साहनी, हार्दिक, रवि पॉल, यशवंत इंदर, हलासे, ज्ञानेश्वर, ये लोग हैं वन मैन आर्मी दूसरी टीम में।